हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और आज है वीकेंड। तो वीकेंड पे हम बच्चों को लेके जा रहे हैं बाहर, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। ये हमारे पनवेल में पास में एक गांडेश्वर लेक है, वहीं पे हम जा रहे हैं। थोड़ा इन लोग की भी मस्ती हो जाएगी, हम लोग का भी थोड़ा बाहर घूमना हो जाएगा। तो फिर आप हमारे साथ बने रहिए, फिर हम आपको दिखाते हैं आगे का। रास्ते का व्यू देखिए कितना अमेजिंग है, इतना सुंदर दिख रहा था ना। और बारिश होने से पहाड़ जो होते हैं वो बिल्कुल ग्रीन हो जाते हैं ना, उसमें जो नए पौधे वो निकल आते तो और भी सुंदर लगता है। और रास्ते में तो ऐसा मन हो रहा था भाई यहीं घर बनाओ और यहीं रह लो। और देखिए यहाँ पे मंदिर भी रास्ते में थी, गांडेश्वर मंदिर। तो हम उधर ही जा रहे हैं जिधर सलमान खान का फार्म हाउस है ना, यहाँ से एकदम पास में ही है सलमान का फार्म हाउस। तो अच्छा लग रहा था यहाँ। हम और इवानी के साथ हम सोच रहे थोड़ा रील्स बना ले, बट इवानी बनाने नहीं दे रही थी। ऐसा होता है ना, जब हमारा मूड होता है तो बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं होता है, तो इवानी नहीं बनाने दे रही थी। तो ये हम पहुँच चुके थे डैम के पास। पिछली बार जब मैं इस महीने में आई थी ना तो डैम में बहुत पानी था, इस बार उतना ज़्यादा नहीं था, इसलिए हम लोगों ने और इन्जॉय किया, बच्चों ने तो खूब ही किया। तो ये हम नीचे जा रहे थे, दीदी भी हमारे साथ थी, तो वो पहले ही लेके पहुंच चुकी थी चिकू को आगे आगे, हम पीछे जाने को लेकर आ रहे थे। पूरा गीली हो गई है, पूरी गीली हो गई वाली। और यहाँ देखिए हमारी ढमलू, ये कहीं भी गिरती रहती है। इनके पापा बोलते हैं माँ बेटी सेम सेम है एकदम। इवानी और चिकू खूब पानी से अपना खेल रहे थे, इवानी खुश होकर क्लैपिंग भी कर रही थी। लेकिन इसमें बहुत मुश्किल हो रहा था चलना, मतलब नीचे ऐसे पत्थर थे ना तो चल। और ये हमारा हाथ छुड़ा रही थी, मतलब हाथ छोड़ दो मैं खुद से खेलूंगी, मैंने भी छोड़ दिया। तो इन्होंने भी खूब खेला, एकदम दोनों लोग गीले हो गए थे। और हम लोगों ने एक्स्ट्रा कपड़े ले नहीं गए थे, हमें मालूम नहीं था कि वहाँ पर मतलब हमें अंदर जाना होगा, वरना हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेके गए होते। यहाँ दीदी इन लोग की फ़ोटो ले रही थी। फ़ोटो लेने में क्या दिमाग ख़राब करना पड़ता है इन लोग को, मतलब बार बार बुलाओ, इनकी फेवरेट चीज़ों का नाम लो, ये देखो कोको मेलन ये, तो फिर ये लोग जाके सामने देखते हैं। दीदी बुला रही थी कि मतलब उस साइड से इधर आ जाओ, तो मैं बोली चलो चलो आगे चलते हैं। तो हम लोग और जा रहे हैं अंदर पानी में। तो यहाँ बच्चों को पकड़ते पकड़ते हम दोनों भी गीले हो गए थे, तो हम भी पानी में एंटर कर गए कि चलो अब तो गीले हो ही गए, थोड़ा हम भी पानी से साथ इंजॉय कर ले। तो यहाँ इवानी चीकू भैया के ऊपर फेंक रही थी और चीकू इवानी के ऊपर फेंक रहे थे। लोगों ने इतना मतलब पानी से भींग गए थे दोनों बच्चे, तो हम लोगों ने टी शर्ट निकाल दिया वहाँ पर सूखने के लिए, रख दिया कि जब तक ये लोग खेलेंगे तब तक कम से कम टी शर्ट तो सूख जाएगी ना, और फिर नीचे डायपर पहना देंगे हम लोग पैंट निकाल के। और थोड़ा भगवान ने भी साथ दे दिया था कि धूप नहीं थी, मतलब बादल जैसा मौसम था, तो बच्चों को सर पे से धूप नहीं लग रही थी। और पानी भी ज़्यादा मतलब ठंडा नहीं था, नॉर्मल ही था। कितनी गर्मी होने लगी, तो अब हम बाहर निकल रहे थे, 2 घंटे से ऊपर हम पानी में रह लिए थे, तो बच्चे बीमार भी हो जाते, फिर बाहर ला के लोगों के कपड़े चेंज करना था। अब हम जा रहे हैं कहीं कुछ खाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि गर्मी बहुत होने लगी। तो वापस आते समय ये रास्ते में ही था साहिल चाइनीज़ सेंटर, तो हम लोग यहाँ रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि हम लोग सुबह बस नाश्ता करके गए थे तो भूख बहुत तेज लगी थी। बच्चों को ले के आओ साथ में, तो ये प्रॉब्लम होती है क्या खिलाए, अब ये लोग खा रहे हैं कुछ नमकीन है। तो यहाँ ये दोनों लोग बिजी थे अपना खाने में, और हम लोग का भी खाना आ चुका था, नूडल्स था और शेजवान राइस था,
तो यहाँ हम अपना खाना खाएं और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट था। मतलब होता है ना कभी कभी आप जो बड़े होटल या रेस्टोरेंट में टेस्ट नहीं मिलता, वो एक छोटे से स्टॉल में मिल जाता है, तो बहुत ही टेस्टी था। फिर उसके बाद हम निकल चुके थे घर आने के लिए। भैया के मुंह में लग गए, तुमको हंसी आ रही है? ओले चिकू भैया क्यों रो रहे हैं? तो वहां से आने के बाद सब लोग सो गया था, बच्चे तो आधे समय रास्ते में ही सो चुके थे और हम लोग भी सो गए थे। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अब टाइम हो रहा है चाय का, तो चलते हैं चाय बनाते हैं और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।